हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हम दो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो रनआउट हुआ पंजाब वर्सेस राजस्थान के मैच में जॉश बटलर और अश्विन के बीच में जो हुआ। दूसरा इस चैनल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इस चैनल के साथ भी कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है और पूरा फ्यूचर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैनल का। पहले बात कर लेते हैं इस रनआउट के बारे में जो राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच में रवि अश्विन और जॉश बटलर के बीच में हुआ। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं हुआ क्या था। अगर आपने मैच नहीं देखा कल का, जब बॉलिंग कर रहे थे रविचंद्र अश्विन, जॉश बटलर क्रीज छोड़ के नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे, क्रीज छोड़ के आगे निकल गए और इसी बीच पलट के रविचंद्र अश्विन ने रनआउट कर दिया नॉन स्ट्राइक एंड पर जॉश बटलर को। मैं आपको बता दूं जॉश बटलर बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और अगर वहां से कंटिन्यू करते तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मैच जो है राजस्थान के लिए बना के लेके चले जाते। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ और वहां से कोलैप्स देखने को मिला और राजस्थान वहां से हार गई। पहली चीज तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये इंसिडेंट सही था रविचंद्र अश्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है रविचंद्र अश्विन और एक आइडियल माने जाते हैं यंगस्टर्स के लिए। ऐसे में अगर आप रनआउट करें, आपने वार्निंग भी नहीं दी, आप सीधा पलट के रनआउट कर दिया आपने। कुछ लोग कह रहे हैं चीटर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ही इज विद इन द लॉ, तो आपका क्या कहना है। मैं अपना स्टैंड बताऊंगा अगर यहाँ पे तो आई थिंक ही इज विद इन द लॉ। हाँ उन्हें शायद एक बार वार्निंग करना चाहिए था, लेकिन आप अगर उनको बोलेंगे चीटर तो आई थिंक ये गलत होगा। सो ही वॉज विद इन द लॉ। अगर आईसीसी आपको अलाउ करती है आउट करने के लिए वहां से, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें उनको चीटर कहना सही होगा। ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, तो डिपेंड करता है यार, मतलब हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोग निक करके चल वॉक ऑफ कर जाते हैं, कुछ लोग वहां पे डिसीजन का वेट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है और वी आर नॉट द वन हु विल जज कि क्या सही और क्या गलत है। जो चीजें हुई उसे वहां पे छोड़ देनी चाहिए। तो ये था रनआउट के बारे में बात, जो हमने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रनआउट हुआ और हम चाहेंगे कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हर्ट होता है, स्पोर्ट्स एंड स्पिरिट को हर्ट होता है इससे, और ऐसी चीजें अवॉइड किया तो ज्यादा बेटर होगी। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ इस चैनल के साथ जो हुआ। मैं आपको बता दूं दो दिन पहले जब पहला मैच था आईपीएल का चेन्नई वर्सेस बैंगलोर, तो मैंने इस पर लाइव स्ट्रीम किया था इस चैनल पर, और पीसीसीआई ने मैनुअली डिटेक्ट करके मेरे चैनल पर स्ट्राइक लगा दिया और उसके बाद लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पर नहीं हो सकती, मतलब डिसेबल्ड हो गई है। और सॉरी अवॉइड कीजिएगा प्लीज वो बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं बालकनी में हूँ इस वक्त। तो आपको बेसिकली एक चीज मैं बता रहा था कि अब लाइव स्ट्रीम इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाइए, उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे हम जो है लाइव स्ट्रीम पहले के जैसे कर पाएंगे, यहाँ पे अब लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब कंटेंट बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं, पहले हम गेम प्लेस करते थे, चीजें लाइव करते थे, अब वो नहीं हो सकता। तो अब चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। अगर आपको लाइव स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, अगर आपको गेम प्लेस देखना है, अगर आपको ऐसे लाइव स्कोरिंग्स देखनी है, तो आप प्लीज चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे हम बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियोस ऐसे जैसे ये है उस तरीके से वीडियो डालेंगे जहां पे आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जो है फिर भी डिस्क्रिप्शन के नीचे कॉमेंट सेक्शन है वहां पे जाके अपने व्यूज अपने सजेशन दे सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं और हम जो है बिल्कुल पहले की जैसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आई ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू, सो प्लीज कोऑपरेट एंड प्लीज सपोर्ट पहले के जैसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।